फट्टी लगा, फट्टी रे, फट्टी लगा जल्दी फोन पर। ये तो चलिए आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं तरबूज की खेती कैसे की जाती है। वीडियो को स्टार्टिंग में तो आपने देख लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बहुत कुछ दिखाएंगे, जो कि गांव दिखाएंगे और कैसे क्या होता है हम तुमको सब दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर चैनल बनने हो तो चैनल को लो सब्सक्राइब और वीडियो कर दो लाइक। ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये पाइप लेके जा रहे हैं जिससे हम खेत में पानी लगाएंगे जाके, और आसपास गेहूँ ही गेहूँ दिखाई दे रहे हैं। तुम में से कई लोग सोचेंगे बकरी क्यों घूम रहा है नुबड़ी के, लेकिन पीछे पीछे भाग गई तो गाइस हम क्या करें, ठीक है। तो अब जा रहे हैं हम सीधा खेत पे जा रहे हैं गाइस, और हम तुमको वहीं दिखाते हैं क्या क्या करते हैं हम। हाँ, ये गंगा नदी है जो कि इसी के किनारे किनारे रेत में हम तरबूज करते हैं। बहुत 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 मेहनत नहीं लगती है, नहीं बहुत ज़्यादा लगती है। और देखिए ये जो दिख रही है ना खेत, यहाँ से वहाँ तक देख रहे हो, देख रहे हो ये यहाँ से वहाँ तक दिख रही है ना, देख रहे हो, ये अपना नहीं है वहाँ से निकल निकल। देखिए हमारी बकरियाँ भी फंस जाती है, क्या करें। चल और देखिए ये देखो, इतने सारे इतने बीज में तरबूज ही तरबूज, और ये छोटा सा पेड़ है जो खरबूजा का है, खरबूजा का, और ये साथ ही कद्दू के भी लगे किनारे किनारे। ये हमारा खेत नहीं है दूसरे का है, ठीक है। अब आगे वाले में जिसमें हम पैर रखने जा रहे हैं, ये हमारा खेत है। ये देखिए, ये देखिए 10-15 लाख गड्ढे हैं, नहीं हाँ होंगे 10-15 हज़ार, ठीक है। लाइन से देखिए इतने, ये हट हट लेके जाऊं। अब देखिए हमने अपनी बकरिया को दे दिया किसी को, और हाँ देखो तरबूज ही तरबूज हैं गाइस, 2-3 साल के बाद तैयार हो जाएंगे। हाँ अरे ये डब्बे दिख रहे तुम्हें, डब्बे ये पानी भरने के लिए, और ये पाइप अभी नदी में लगाएंगे, चल के आ जाओ हम तुमको दिखाते हैं कैसे पानी लगाया जाता है, कैसे इनको तैयार किया जाता है। गाइस बहुत मेहनत लगती है इनको तैयार करने में। हाँ हाँ, और देखिए यहाँ से वहाँ तक ये सब तरबूज ही तरबूज है। आए ये माता चौथ नहीं, और कल हमने पानी लगाया था इसमें, बहुत बारिश का, इस बहुत बहुत पानी लगाया था। और देखिए जो कि इसमें हमने कल गड्ढा भरा था, जो कि इसमें पानी नहीं है, और ये पाइप जो लेकर आ रहे हैं अभी हम मशीन में लगाएंगे, और ये इसमें घास बांध के लेके जाएंगे, ठीक है। नहीं लेके आ, और हम तुमको दिखाते हैं कि कैसे पानी लगाएंगे, और चलो थोड़ा आगे घुमा के आते हैं तुमको, ठीक है। ये देखिए ये लाइन से देख रहे हैं खीरे के पेड़ हैं, जो कि अभी ककरी ककरी बोलते हैं, ककरी ककरी है, और ये ओके ये लौकी के पेड़ हैं, देख रहे हो वहाँ तक, और ये ट्रैक्टर लगा इसे पानी निकाला जा रहा है पाइप से, और देखिए खीरा खीरे ये देखिए अभी छोटे छोटे हैं, देख रहे हो। हाँ ये देखो ये अभी छोटे छोटे हो जाएंगे, हो जाएंगे 2-4 दिन में बड़े बड़े। हाँ 10 दिन में चलने लगेंगे, 10 दिन में चलने, इनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है क्योंकि यही करते रहते हैं आएगा। और ये देखिए ये है नदी के किनारे सारे ही तरबूज तरबूज हैं, जहाँ तक यहाँ से वहाँ से लेकर तक, ठीक है। और देखिए और ये मशीन खड़ी है, इसी में से हम पानी निकालेंगे, और वो ट्रैक्टर लगा है उसमें से भी पानी जा रहा है,
और ये देखिए जो हमारे साथ अभी पाइप लेकर आए थे वो भी पाइप बिछा रहे हैं, जो कि अभी पानी जाएगा इसमें से और फिर हम इसी में लगाएंगे सारे में, ठीक है। हाँ तो देखिए ये पाइप बिछा रहे हैं जो कि हम अभी मशीन में लगे, जल्दी जल्दी लगाओ। और ये खेत की मालकिन खड़ी है, ठीक है, और ये मालिक आ रहे हैं, ये देखो दिख रहे हैं, हाँ यही है। ये आ रहे हैं खेत के मालिक जी, देख रहे हो। हाँ तो इसमें कितना लागत पानी लगा है, यहाँ ये खेत के मुखिया हैं। और अभी हम पानी लगाएंगे इसमें, देखना तुम। हैन पर लगो तो, हाँ खीरा भी डालो भाई, ये देखो यही लगे, यही ये भाई साहब हमको खीरा दिखाने जा रहे हैं, ये देखिए इतना बड़ा हो गया है, ये देखो दो चार दिन के बाद हो जाएगा बहुत बड़ा। हाँ ये देखो, ये देखो अभी छोटे छोटे हैं, हो जाएंगे धीरे धीरे बड़े बड़े। अभी इनको बड़ा करेंगे, पानी लगाएंगे, फिर बेचने जाएंगे, फिर तुम लोग खाओगे, ठीक है। धूप बहुत तेज है अभी भी। ओए पानी डाल, पानी तुम्हें से। कई लोग सोच रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, जो कि ये पाइप में जोड़ डाल रहे हैं, जो कि चलते हुए पानी में पाइप जोड़ रहे हैं, तो देखो कैसे जोड़ रहे हैं। और ऐसे ही पानी लगाया जा रहा है पूरे एक एक पौधे में, जो कि बहुत टाइम लगता है गाइस, जो कि हमने लगाया है अभी, लगाया तो नहीं अभी शुरुआत किया है गाइस, ठीक है। और इसी के साथ तो चलिए हम तुमको आगे की तरफ दिखा रहे हैं कि कैसे पानी लगाया जाता है, क्योंकि ये तो जोड़ रहे थे, तो अब हम तुमको दिखाते हैं कि कैसे पानी लगाया जाता है। ये देखो एक बंदा है जो क्योंकि ऊपर पन्नी के ऊपर रखा है पाइप, ताकि ज़मीन के अंदर गड्ढा ना हो, और इसके सहारे हम इधर उधर पानी ले जाते हैं। तो देखो ये आपको दिख रहा होगा ना, लास्ट है ये देखो ऐसे पानी जा रहा है एक एक पौधे में यहाँ तक। तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि वीडियो आए तो फटाक से आपके पास नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और हाँ कमेंट में ज़रूर बताना नेक्स्ट ब्लॉग।